हेलो एवरीवन सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मनी क्या होता है मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ और मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं सो so, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल सो स्टार्ट करते हैं वॉट इज मनी मनी क्या होता है इन सिंपल टर्म्स मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी क्या होता है मीडियम ऑफ़ एक्सचेंज होता है जो हमें किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है कैसे फॉर एग्जांपल मेरे को रेफ्रिजरेटर परचेज करना है ठीक है लेकिन उस रेफ्रिजरेटर को मैं बायर से जब ही परचेज़ कर सकती हूँ जब मैं उस रेफ्रिजरेटर के एक्सचेंज में उसको कुछ पैसा पे करूँ उसको कुछ मनी पे करूँ सो मनी हमारा कैसे काम करता है एक मीडियम ऑफ़ एक्सचेंज है इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमें कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज़ करने हैं तो हम इन एक्सचेंज में क्या देते हैं हम पैसा देते हैं मनी देते हैं सो so मनी क्या है? एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें किसी भी प्रोडक्ट्स को बाय करने में हेल्प आउट करता है इन एक्सचेंज आई थिंक विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कोल्ड मनी जो कि हर एक के लिए एक्सेप्टेड होता है मनी क्या है जनरली एक्सेप्टेड होती है हर एक बंदा उसको एक्सेप्ट करता है कंट्री में हर एक बंदा जो है मनी के एक्सचेंज में ही प्रोडक्ट्स और गुड्स को परचेज करता है मार्केट से इसलिए ये क्या होती है हर जगह एक्सेप्टेड होती है जनरली कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है इसको फॉर एक्जाम्पल आर उ इन इंडिया इज़ अ मनी इंडिया के लिए मनी क्या है रुपीज़ इंडियन रुपीज़ इट इज़ अ कॉमन कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज ईयर और ये हमारे लिए क्या है यहाँ पर कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हम यहाँ पर यू एस डॉलर नहीं चला सकते क्योंकि वो कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या एक्सेप्ट किया है इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है दैट्स वाई इंडिया की मनी क्या है अ रुपीज़ जो हम रुपीस में ट्रांजेक्शन करते हैं ऐसे ही अगर हम डॉलर की बात करें यूएसए में क्या चलेगा डॉलर चलेगा वहाँ पर कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है डॉलर है वहाँ पर जाकर हम इंडियन रुपीस से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते कोई भी वहाँ का गुड्स नहीं परचेज़ कर सकते ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मनी नाउ वी विल गो थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ मनी हमारा मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ या फिर मनी की जरूरत कैसे पड़ी लोगों को इन एंशियन टाइम गुड्स वर एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंशेंट टाइम में क्या होता था किसी को मनी के बारे में पता नहीं था किसी को भी पैसे के बारे में नहीं मालूम था तो क्या करते थे लोग बाग एक दूसरे के साथ गुड्स के थ्रू गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे कि अगर आपके पास वीट है तो मैं आपको राइस दे देता हूँ अगर आपको राइस की नीड है तो आप मेरे से वीट ले लो फ़ॉर एग्जाम्पल मेरे को एक हॉर्स परचेज़ करना है दूसरे बंदे के पास क्या है अगर मुझे हॉर्स परचेज करना है दूसरे बंदे से और मेरे पास गेहूँ अवेलेबल है ठीक है तो मैं क्या करूँगी आप मेरे से गेहूँ ले लो और ये हॉर्स मेरे को दे दो या फिर मेरे को कोई पेन परचेज़ करना है तो उस पेन के बदले मैं क्या दे दूँगी चावल दे दूँगी ठीक है तो पहले क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था देर वॉज़ नो मनी एट दैट टाइम पुराने टाइम में जो था मनी का कोई रोल नहीं था मनी कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था इसी वजह से हम गुड्स के बदले सिर्फ गुड्स को ही क्या करते थे एक्सचेंज कर लेते थे फॉर एग्जाम्पल अ काबलर वुड मेक शूज़ इन रिटर्न ऑफ फॉर अ वीट फ्रॉम द फार्मर जैसे कि जो कॉबलर होता था जूता बनाने वाला होता था वो क्या कर लेता था ठीक है मैं आपका जूता बना दूंगा मैं आपका चप्पल बना दूंगा लेकिन इन एक्सचेंज आप मुझे क्या दे देना वीट दे देना ठीक है सो ये सिस्टम को ही क्या बोला जाता था बाटर सिस्टम बोला जाता था जहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स एक्सचेंज करके ट्रांजेक्शन करते थे या गुड्स को परचेज करते थे बट विद द मल्टीप्लीसिटी ऑफ वॉन्ट्स एंड ग्रेटर नीड फॉर एक्सचेंज लेकिन ड्यू टू द वॉन्ट्स क्योंकि बंदों की वॉन्ट्स इंक्रीज़ होने लगी ठीक है और क्या होता था कि कभी कभी कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हो जाता था कि दोनों चीज़ें उसको चाहिए होती थी इसी वजह से वो जो था एक्सचेंज नहीं कर पाता था और नीड फॉर एक्सचेंज भी हमारी बढ़ चुकी थी बेटर बिकम सिस्टम इनफिशेंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और इसी वजह से जो हमारा बार्टर सिस्टम था वो इनएफिशेंट हो गया था उस टाइम पर इसीलिए हमें किसकी नीड पड़ी ड्यू टू नाउ गुड्स आर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स और इसी वजह से जो गुड्स थे वो गुड्स के बदले में एक दूसरे के साथ सोल्ड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बंदों की नीड्स बढ़ चुकी थी उनकी इफिशेंसी बढ़ चुकी थी ठीक है उनकी वॉन्ट्स बढ़ चुकी थी इंस्टिट गुड्स आर सोल्ड फॉर मनी और तभी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि गुड्स बंदों ने सोल्ड करना शुरू कर दिया फ़ॉर द मनी इसलिए मनी की नीड आई मनी की ज़रूरत पड़ी इनिशियली कोइंस ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर वन इंट्रोड्यूस फॉर द मनी पहले टाइम में क्या हुआ कि जो गोल्ड्स के और सिल्वर कोइंस थे जो राजा महाराजा पुराने टाइम्स में यूज़ करते थे वो इंट्रोड्यूस किए गए सबसे पहले लेकिन फिर क्या हुआ इन्फ्लेशन रेट बढ़ा सब कुछ चीज़ें महंगी होती गई फिर हम शिफ्ट हुए एलोए मेटल पर एलोए मेटल के कोइंस बनाए एंड कॉइनेज़ अलॉन्ग विद द पेपर मनी और फिर इंट्रोडक्शन हुआ पेपर मनी का जो हज के टाइम में यूज़ करते हैं एंड नाउ इन दिस एज प्लास्टिक मनी इन दाम ऑफ कार्ड्स ई मनी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मनी आर इंट्रोड्यूस और आज के टाइम में क्या हो चुका है विद द पेपर मनी और विद द सिल्वर कॉइंस हमारा क्या क्या, -क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारे फॉर्म्स ऑफ ई मनी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं हमारे ई प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं हमारे ई ट्रांजेक्शन इंट्रोड्यूस हो चुकी है ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द मनी कैसे कैसे हमारी मनी जो है इवॉल्व हुई कैसे कैसे इंट्रोडक्शन में आई एंड कैसे कैसे हमें ज़रूरत पड़ी मनी की नाउ फंक्शंस क्या थे मनी के हमें मनी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी क्योंकि मनी हमें क्या दे रहा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहा था हमारे लिए एक्सचेंज का, का काम कर रहा था कि अगर हमें बाहर से मार्केट से गुड्स या सर्विसेज को परचेज़ करना है तो इन एक्सचेंज हम क्या पे आउट कर सकते हैं उसके लिए अमाउंट पे आउट कर सकते हैं स्टोर इन वैल्यू मनी को हम क्या कर सकते थे स्टोर कर सकते थे लेकिन अगर हम बात करें गुड्स की तो गुड्स का जो पैरिशेबल नेचर होता है वो हमेशा के लिए हमारे पास स्टोर होकर नहीं रह सकता कभी ना कभी वो ख़राब हो जाएगा गल जाएगा सड़ जाएगा लेकिन मनी क्या होती है वो हमेशा स्टोर हो रह सकती है सो so मनी का दूसरा फंक्शन है स्टोर ऑफ द वैल्यू न थर्ड जो फंक्शन था मनी का वो था कि वो मेज़र कर सकता था वैल्यू को इट मेज़र द वैल्यू दैट इट इज़ वन रुपीज़ इट इज़ टेन रुपीज़ इट इज़ ट्वेंटी रुपीज़ हम मनी को मेजर कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफोल्ट पेमेंट हम डेफोल्ट पेमेंट्स कर सकते थे कि हम आपको फ्यूचर्स में ये पेमेंट कर देंगे ठीक है ड्यू टू द मनी हम डेफोल्ट पेमेंट्स कर पाए सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल